दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों लगाता है? उसेर पुत्र, मैं बताती हूँ। उसेर पुत्र, मेहंदी सुहाग की निशानी होती है। कहते हैं जितनी मेहंदी गाड़ी चढ़े ना, उतना ही गाढ़ा प्यार पति और पत्नी में होता है, उतनी ही लंबी उम्र पति की होती है। आई गल समझ? अच्छा, अगर मेहंदी का रंग हल्का चढ़े या फिर एक दिन में उतर जाए तो? सरबजीत जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ना जॉय जी, शुभ शुभ बोलो। वो मजाक में भी ऐसी बात कभी मुंह से मत निकालना, तुहानू मेरी उम्र लग जाए। सरब ब्रो, मेरे पुत्र, उसमें क्या है? मम्मी जी, केस की फाइल है। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, उसे चार लोगों पे शक है, उन्हीं चारों का नाम इस फाइल में है। तू फिक्र ना कर, मैं इस फाइल को ध्यान नाल तेरे कमरे में रख देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चारों नाम जानना चाहती हूँ। आप फाइल खोल के पढ़ो ना। मम्मी जी, पहला नाम हरमीत सिंह औलाख, पुनीत सिंह, वो तो सरबजीत जी का कजन है। प्रबोत सिंह बबीचा, प्रभजोत सिंह, ऑपोजिशन लीडर। जसपाल भाटिया, सर मेरे को लगता है यही हराम खोर है। तुझे याद है इसी ने जॉय जी पर टैग भी किया था एक बारी। चौथा नाम किसका है मम्मी जी? चौथा नाम क्या है मम्मी जी? बताइए मम्मी जी, वो चौथा नाम किसका है? हो, वो सारी मेहंदी गिरा दी इस पे। मम्मी जी, चौथा नाम क्या था? वो कैसे पढ़ू पुत्र, वो सारी मेहंदी गिर गई है इस पर। पढ़ने वाली थी इस, ओ यूवी, ओ किथे चला गया है? ओ सारी, ओ सारा खराब हो गया पेपर पुत्र। ओ रब जाने चौथा नाम किसका था,
आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कम इन द लॉन एरिया। वहाँ हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी बेस्ट फ्रेंड वर्ल्ड फेमस टैरो कार्ड रीडर मिस साइना अरोड़ा। सुनूंगी हर खामोशी की आवाज, पढ़ूंगी हर एक के चेहरे का राज। यूं समझिए आपके दिल की परछाई हूं मैं, आपके दिल के राज बताने आई हूं। मी ऑलराइट। अपनी जिद अपने जुनून में, ना कर फर्क बच्चों के खून में। जब राम और भरत को कैके ही अलग नहीं कर पाई तो तू किस खेत की मूली है भाई? Well, it's top secret. Okay, next turn. आपकी। ढूंढना चाहती है जो राज तू खास, वो यहीं कहीं है तेरे आसपास। It's your card. और कितने कांड करेगी अब तो रब से डर, वरना जाना पड़ सकता है तुझको बड़े घर राम करनी। क्या है मम्मी जी? मम्मी जी कैसे हैं? चौथा नाम किसका होगा? मुझे मिस्टर नेगी से पता करना ही होगा। झूठ कभी तो बोल ना पाए, फिर भी राज क्यों खोल ना पाए। जिससे तूने राज छुपाया वो तो है तेरा ही साया। देखा इना क्या है छुपा, आने वाला पल है लिखा। मैं हर पल हर घर जिस बात से परेशान रही, आपने वही बात मुझसे छुपाई सरबजीत जी। क्यों? गुनाह में पर्दा डालने वाला भी गुनेगार होता है, इसलिए आज आप मेरी नजरों में गुनेगार बन गए हैं। ओए मार सर्ब, ना हमें भी तो बता क्या लिखा है। कुछ नहीं मौमसी जी। मेहर जी, मिस्टर नेगी, मुझे तीन सस्पेक्ट्स के नाम तो पता चल गए हैं, रुपनीत, अमनदीप और जसपाल भाटिया। चौथे सस्पेक्ट का नाम क्या है? वो एक्चुअली फाइल पे मेहंदी गिर गई थी, तो आप प्लीज जल्दी से बताइए ना कि चौथे सस्पेक्ट का नाम क्या है। मेहर जी, उस चौथे सस्पेक्ट का नाम है सरबजीत जी। आपने फोन क्यों? मेहर जी, आप जानती हैं हमारा रिश्ता इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारे रिश्ते की बुनियाद सच पर रखी गई थी। और जिस रिश्ते की बुनियाद सच पर रखी गई हो, उसे बड़ा से बड़ा तूफान भी हिला नहीं सकता। मेहर जी, सरबजीत जी, मैं कुछ समझी नहीं आप ये सब। मेहर जी, मैं आज तक कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं छुपाया, और आज भी वैसा ही होगा। और वो चौथा नाम किसी सस्पेक्ट का नहीं बल्कि मुजरिम का है। आप जानना चाहती हैं वो नाम क्या है? उस हमलावर का नाम आपके हाथों की लकीरों पर लिखा है।
हरवंत कौर। हाँ मेहर जी, उस दिन वो ट्रक आपकी मम्मी जी चला रही थी। सरपंच कुलवंत कौर ढिल्लों। ट्रक प्लीज सरबजीत जी कह दो ये झूठ है। यही सोचा मैं जी, और जिंदगी का मजाक देखिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए आप जिसकी मदद मांग रही थी वही खुद मुजरिम है। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था मैं जी, जिस दिन मम्मी जी ने आरटीओ ऑफिसर को गलत नंबर दिया था। ये तो किसी मोटरसाइकिल का नंबर है, किसी बलवंदर सिंह जंजुआ के नाम पे रजिस्टर्ड है। ओ जी आपका मतबल अब कुछ कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं सरपंच जी सॉरी। फिर मैंने एंगेजमेंट पार्टी पे आए गेस्ट की लिस्ट चेक की और वहां मुझे पता चला कि यूवी के हाथ में बैंड था ही नहीं। यूवी तो गेट क्रैश करके अंदर आया था और उसका बैंड था कुलवंत कौर के हाथों में। फिर मैं शॉपकीपर के पास भी गया और उसने मुझे बताया कि कैसे दो लड़कों ने उसे मारा पीटा और धमकाया और उस ट्रक को भी एक्सीडेंट के बाद फौरन जला दिया गया था मेरे से। और उस दिन स्क्रैप यार्ड में भी मैंने मुझे यानी आपकी मम्मी जी को सबूत मिटाकर भागते हुए देखा। और मेरी बात कान खोल के सुन। शाम तक मुझे ट्रक उसका मालिक ते उसका ड्राइवर की जन्म कुंडली चाहिए। जरूर इस हराम खोर की चाल है, वो मुझे शक्ल से ये पसूरी बाज लग रहा है। जरूर ये ड्राइवर से मिला हुआ है, छितर खा के बताना है इसने। मुझवाई जी मैं हर कदम पे आपके साथ, अब आपको मेहर को और मेर को ये सब सुलझाना है। अब बिल्कुल फिक्र ना करो। क्यों सरबजीत जी क्यों क्यों मम्मी जी हमेशा हमारी खुशियों का गला घोटना चाहती हैं? क्या बिगाड़ा है हमने उनका? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मम्मी जी इतना गिर सकती है। और आप स्क्रैप यार्ड तो दो दिन पहले गए थे ना, फिर आपने अब तक मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? बोलिए। मैं जी मैंने बार बार कोशिश की कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन आपका और मम्मी जी का प्यार देख के मुझे हिम्मत ही नहीं। और मैं जानता था कि सच सुनने के बाद आप टूट जाएंगी, लेकिन मम्मी जी के गुनाहों का घड़ा इतना भरता जा रहा था कि, और मुझे लगा था कि शायद वो खुद आपके सामने आके अपना जुर्म कबूल कर लेगी। लेकिन लेकिन वो हमारे साथ मिलके गुनहगार को ढूंढती रही, मुझे बेवकूफ बनाती रही और मैं उनकी बातों में आकर बेवकूफ बनती रही। मुझे लगा था कि मम्मी जी बदल गए हैं, वक्त के साथ सुधर गए हैं। मेरी ये सोच गलत थी क्योंकि कुलवंत कौर कभी बदल ही नहीं सकती। सरबजीत जी अब मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगी, मैं सबके सामने कुलवंत कौर को अभी इसी वक्त एक्सपोज करूंगी।
रुकिए मैं जी, कैसे एक्सपोज करेंगे आप मम्मी जी को? हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कैसे साबित करेंगे कि मम्मी जी मुजरिम हैं? बताइए। और मम्मी जी इतनी शातिर हैं कि वो हर बात की तरह इस बात को भी घुमा देंगे। लेकिन जी, हमें मम्मी जी को उन्हीं के बिछाए जाल में इस कदर फंसाना होगा कि वो अपना जुर्म खुद ही कबूल कर ले। मेरा यकीन कीजिए, हम मम्मी जी को उनके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, पर हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना होगा, बहुत ही सावधानी से सब कुछ करना होगा। हमारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आनी चाहिए। इस आइडिया के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं जी, हमारे पास इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सरब, ले, तुसी दोनों इत्थे हो, चलो नीचे, सब वेट कर रहे हैं। हाँ जी दी, बस आ रहे हैं। पर तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? दरअसल दी, एक्चुअली मेहर जी के हाथ में मेहंदी लगी है ना, तो उन्हें किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए थी, तो मैं उनके साथ आया। आपको पता है दी, मैं आज के संगीत के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि बता भी नहीं सकती। मैं भी। आहो दी, मैंने और बांद्री जी ने मिलकर एक स्पेशल डांस भी प्लान किया है। बांद्री किसको बोला? आपको और किसे? तुसी दोनों भी ना, चलो अब। ओके ओके, आ जाओ। शुक्र है रब्बा, मैंने तो समझा था आज मेरा खेल खत्म। वंडरफुल जी वंडरफुल। मेहर जी, आज शाम संगीत के फंक्शन में हम मम्मी जी का पर्दाफाश करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, तो आज रात की पहली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं स्टार। जी हाँ, स्टार्स यानी के सितारे, सरब जीत और मेहर की आंखों के तारे। सो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड, परम करण एंड सहर। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब अगली परफॉर्मेंस है एक सरप्राइज, जो कि डेडिकेटेड है आप लोगों में से किसी एक बहुत ही खास इंसान के लिए। तो स्टेज पे आग लगाने आ रहे हैं सरब जीत एंड महर। तालियां। साहेबान, मेहरबान, कद्रदान, आज आप सुनेंगे एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें शिद्दत है, जुनून है, गहराई है, लेकिन जिसे एक बहरूपिये ने मिटाने की कसम खाई है। जनाब देखिए कैसे उतरता है उस बहरूपिये के चेहरे से ये नकाब।